दोस्तों, मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर क्या काम करता है, इसमें कौन से फॉल्ट आते हैं, इसे कैसे चेक करते हैं, सर्किट डायग्राम में इसका सिंबल कैसा होता है और सर्किट डायग्राम में इसे कौन से अक्षर से पहचानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा, आइए बात करते हैं सबसे पहले रजिस्टर के काम के बारे में, ये वर्क क्या करता है। दोस्तों, रजिस्टर चाहे कोई सा भी हो, इसका मेन वर्क होता है करंट को कम करना। अब बहुत से लोग सोचेंगे करंट को कम कैसे करता है, तो दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देखें, इसकी अंदर से बनावट कैसी होती है। इसके अंदर दोस्तों एक वायर होती है, जो वायर बीच में से पतली होती है और उस वायर के दोनों जो साइड के सिरे होते हैं वो मोटे होते हैं। तो जब हम इसमें करंट इनपुट कराते हैं तो करंट इसमें ज़्यादा जाता है, मगर जैसे ही पतली वायर के पास आता है तो करंट कम होके आउट होने लगता है, बाहर आता है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप एक मोटा पाइप लीजिए और उस मोटे पाइप के बीच में एक पतला पाइप लगा दीजिए बीचों बीच, और जब आप मोटे सिरे से पानी डालोगे तो वो ज़्यादा जाएगा, मगर जैसे ही पतले सिरे पे आएगा तो पानी कम बाहर निकलेगा। तो रजिस्टर भी इसी तरीके से काम करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसकी जो वायर होती है साइड से तो मोटी होती है, मगर वो वायर बीच में पतली होती है, इसलिए करंट जाता ज़्यादा है, मगर जैसे ही पतली वायर के पास आता है वो करंट कम हो जाता है, कम होकर बहता है। तो रजिस्टर इस प्रकार काम करता है। अब मैं बताता हूँ आपको इस रजिस्टर को आप चेक कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मल्टीमीटर से आप रजिस्टर को ओम की रेंज पर चेक कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रजिस्टर के फॉल्ट के बारे में। दोस्तों, रजिस्टर ओपन हो जाता है जब आप मल्टीमीटर से इसे ओम की रेंज पर चेक करते हैं और ये कोई वैल्यू नहीं देता, यानी चेक करने पे किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं देता, तो ये ओपन माना जाता है। इसके अलावा ये कभी कभी अपना मान बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है या फिर बहुत ज़्यादा घटा लेता है। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं सर्किट डायग्राम में इसे कौन से अक्षर से पहचानेंगे और इसका सिंबल कैसा होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसका सिंबल जिग जैग की तरह होता है और सर्किट डायग्राम में इसे हम आर अक्षर से पहचानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी अगली वीडियो डायोड के ऊपर है। अगर आप डायोड की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।